रंजना यादव किन्नर हुई गिरफ्तार। आज 12 दिन हो गया उसे जेल गए हुए और ऐसी घिनौना हरकत करी है जो सुन के दिल कांप उठता है, रुई खड़ी हो जाती है। नशे की दवा देके उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करती है, ऐसी घिनौना हरकत करती है, जो करती है करती है, लेकिन वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर देती है। जो कुछ दिन पहले अपना बैलून हिलाती थी, टैलेंट साबित करती थी, लोग को बोलती थी जो हमारे तरफ कोई टैलेंट साबित करे तो उसको हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। जो अश्लील वीडियो बनाती थी और जो नशे भी जो करती थी उसका भी वीडियो अपलोड करती थी और उसका नाम है ओरिजिनल दीपक यादव। यानी मतलब ये किन्नर जो है जेंट्स में का किन्नर था, लेडीज में का किन्नर नहीं। ये रंजना यादव किन्नर अपने आप को लिखाती थी, लेकिन बोलती थी, लेकिन ये जेंट्स वाला किन्नर है। इसका ओरिजिनल नाम है दीपक यादव और आजमगढ़ की जेल में अभी 12 दिन से बंद है। और कौन कौन सी धाराएं लगे हैं जो आप लोग को भी सुन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो जिसके साथ ये दुष्कर्म की है वो हरिजन परिवार से है, नामुमकिन है, मतलब बता नहीं सकते हैं। 786 धारा लगा है SST का, जानते हैं ये जो कितना हैवी पावर का ये केस है। और इसका दिमाग कहाँ चला गया था, ये तो इनके किन्नर समाज को लोग पूजा करते हैं, दुआ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और समझ में नहीं आ रहा है जो इस तरह का इन्होंने हरकत किया। और आइए दोस्तों, आप लोगों को बारे में, मतलब आप लोगों को इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आप लोग को भी दिल कांप उठेगा और होश उड़ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी समालाची ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे। और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी मैटर आई है सामने, बिल्कुल दिल दहलाने वाली आई है, जो सोच भी नहीं सकते हैं। वही रंजना यादव किन्नर जो इस वक्त अभी 12 दिन से जेल में है और ऐसी दुष्कर्म की है, ऐसी घिनौना हरकत करी है, जो नशे की दवाई दे के एक लड़की के साथ में इस तरह का कांड करके और उसके बाद में वीडियो अपलोड कर देती है। जब लड़की की होश आती है तब इन्होंने इधर से केस करते हैं। इनकी केस इसलिए सुनवाई हो जाती है जो ये एक हरिजन परिवार से है और 786 धारा लगा है, SST का मुकदमा लगा है। अब सोचिए जो कितना पावर है इसका, ये तो कोई नहीं इनको बचा सकता है। वही जो कुछ दिन पहले इतनी अश्लील फैलाई थी यूट्यूब पे, ऐसी ऐसी बातें बताती थी, बोलती थी, जो गोरखपुरिया भौजी को गंदे गंदे गाली देती थी, जंगलों में ढूंढती थी, कहाँ है गोरखपुरिया, तुझे हम जेल में डलवाएंगे, कहाँ है। जब गोरखपुरिया भौजी के ऊपर 9-9 धारा ही लगी थी, उस वक्त की बात है। किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अब बताइए। इसीलिए लोग बोलते हैं जो किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। और ये बात पे कोई पुष्टि नहीं करेंगे, इस बात पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के टीम में से है ना, इसीलिए बस अपना हाथ झाड़ दी। जो गलत करेगा वो गलत करेगा, तुम्हारी तो सहेली थी, इंसाफ दिलाओ ना, है तुम्हारी तो सहेली थी। जैसे गोरखपुरिया भौजी को गाली दिलवाना होता था तो पकड़ के स्टूडियो में बैठा के ले आती थी, गुरुमा बोलती थी, है देख अंदर झांक के देख जो तेरे ग्रुप में तेरे टीम में कैसी संस्कार है, कितना लोग को टारगेट करेगी, है अब नहीं करना है, अब नहीं सच्चाई के लिए दोस्तों आवाज उठाइए, हम कम्युनिटी लगाएंगे, अब नहीं बोलना है, नहीं सिर्फ गोरखपुरिया को टारगेट करो और गोरखपुरिया को जो सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं उनको टारगेट करो। वाह वाह, जो विष्णु भैया को इंसाफ दिलाती थी अभी वो अपने लिए खुद इंसाफ मांग रही है। इसीलिए लोग बोलते हैं जो सोच समझ के बातें बोलना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आज बताइए, जो 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, पेपरों में भी छप गया, लेकिन 2-3 दिन से लोगों को पता है, 2-3 दिन हुआ है बस। क्यों? हर चीज पे तो यही मुद्दा खड़ा करती है ना, यही ना सनसनी फैलाती है यूट्यूब पे, प्रचार यही करती है ना।
बस टारगेट किसको करना है, हमें उस मैटर में वीडियो नहीं बनाना है। अगर गोरखपुरिया भौजी को रहती तब तो, अरे आप लोग भी वीडियो बनाया, धाएं 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 वीडियो अपलोड होता, तब देखते कमाल है ना। बस तुम्हें तो बस टारगेट करना है गोरखपुरिया भौजी को यूट्यूब पे से हटाना है, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, बाल नहीं बांका कर पाओगे। और जो लोग मुझे बोल रहे हो ना, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो है, वो भोंक भोंक के रह जाओगे, कोई फर्क नहीं है। और मेरे बारे में जो आप दीदी वीडियो बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे समझाने के लिए। जो जो लोग गाली दे रहे हैं, गाली देने दो, आप गाली मत दो, 100% इंटरटेनमेंट दीदी, थैंक यू, ज़रूर मैं आपकी बात मानूंगी और ध्यान में रखूंगी। और प्रीति दीदी भी मेरे लिए वीडियो बनाई है, कमेंट करके भी मुझे समझाई थी जो वीडियो मत बनाओ, जो गाली दे रहे हैं देने दो। तो चलिए आप दोनों को, आप लोग परेशान मत होइए। और देखो मेरे टीम के संस्कार देखो, तुम लोगों को टीम में तो झुंड बना बना के कम्युनिटी लगा रहे हो और गाली दिलवा रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लगाओ ना, रंजना किन्नर के बारे में वीडियो बनाओ ना, दोस्तों को सच्चाई दिखाओ ना, जब बड़े आए हो इंसाफ की देवी माँ हरिचंद की औलाद, तो बनाओ सच्चाई दिखाओ। जो सच्चाई क्या है, हमारे टीम में का आदमी नशे देके एक लड़की के साथ में किया दुष्कर्म है, इस तरह का घिनौना हरकत किया जो रूह कांप उठेगा है। अब वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया, अब नहीं लगाओगे रिकॉर्डिंग, अब वो वीडियो कट कर करके नहीं डालोगे, एडिटिंग नहीं करोगे, लेकिन गोरखपुरिया को करोगे है ना। वो शेरनी है, शेरनी रहेगी, गोरखपुरिया भौजी जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब तो गोरखपुरिया भौजी को चिल्ली पे भी थंबनेल लगा के वीडियो बनाया जा रहा है, उनको भी उल्टा सीधा गाली दिया जा रहा है, अश्लील बातें बातें बोला जा रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम लोग जो सोचोगे जो हम अपने ओर इसको खींच लेंगे, नहीं, तुम्हारा टीम है गाली देने वाले से प्रचलित हो, देख नहीं रहे हो क्या बोल रहा है अभी गोरखपुरिया जवान। तुम्हारी भौजाई किसको छोड़ी है, गोलकी भौजाई गाली देने वाली किसको छोड़ी है, है? सरिता विनोद भैया को भी बोले हैं तलवे चाटने वाली गोरखप्रिया भौजी को, उसके बाद में अरविंद यादव भैया को भी बोले चप्पल मारेंगे जूता मारेंगे, और वीडियो तुम लोग डिलीट करवा दिए हो हैं। और उसके बाद में हमें कुछ नहीं कर पाओगे। राधा दीदी को भी बोले हो ढोरी दिखाने वाले क्यों नहीं है तुम्हारे साथ, तुम सच दिखा रही हो, रिकॉर्डिंग लगा रही हो, तुम्हारे खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, ये तो चिल्लर चिल्लर मच्छर 00 सब्सक्राइबर वाले उठा रहे झूठ मूठ के वायरल होने के लिए, जो इसको तुम कम्युनिटी लगवाओगी, का समझ के रखा है, का कम खोपड़ी के है। अभी भी सुधर जाओ, सुधरने की मौका है, अभी भी सुधर जाओ, किसी को टारगेट मत करो। अब बना ना क्या, मुंह तो सूख गया है, होश उड़ गई है क्या है? हम किन्नर समाज को जहां रास्ते में देखते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, पैसे कुछ देते हैं, जो ही 10-5 रुपये होते हैं, ज्यादा तो हम अमीर नहीं है, गरीब है, वही 5-10 रुपये जो देते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं है? और उनको बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह के बातें सुन के बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। दोस्तों जिनको भी मेरी वीडियो बुरी लगी है सॉरी, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना जो मैं कैसे गलत बोल रही हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा, सी यू।